नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास खबर। गवर्नमेंट द्वारा जो कर्मचारियों को जो पूर्ण तरीके से जो आउटसोर्सिंग चल रही है, हमारा सबसे मेन मोटिव है कि आउटसोर्सिंग एक तो ना हो, और अगर आउटसोर्सिंग होती है तो गवर्नमेंट द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ईपीएफ ईएसआई की, और जो वेतन गवर्नमेंट ठेकेदार को प्रोवाइड करा रही है, तो ठेकेदार द्वारा जो है कर्मचारी को वेतन पूरा नहीं दिया जा रहा है। और ईएसआई ईपीएफ की जो चोरी चल रही है, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि कर्मचारियों को जो ईपीएफ है ईएसआई है वो कर्मचारी के पास तक पहुंचे। 12% कर्मचारियों का ईपीएफ कटता है, तो 12% ही जो है गवर्नमेंट जो है ठेकेदार को ईपीएफ प्रदान करती है, क्योंकि ठेकेदार पूरा 12% खा जा रहा है, और 1% जो कर्मचारी का है वो जो सरकार के खाते में जमा कर रहा है, जबकि 3% ईएसआई से कर्मचारी का जो स्वास्थ्य लाभ है उस स्वास्थ्य लाभ का ही कारण जो है पूरा कर्मचारी को नहीं मिल रहा। तो मेन सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है कि आउटसोर्सिंग से जो कार्य चल रहा है, तो कर्मचारियों के लिए जो है पूरी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं कर्मचारी को मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से कोई भी इसी प्रकार की ऐसी लड़ाई नहीं है। सरकार जो कर्मचारी को दे रही है तो वो कर्मचारी तक पहुँचना चाहिए। ठेकेदार जो चोरी कर रहा है उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं नगर पालिका मसूरी के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, कभी मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा था कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है मिस्टर गुप्ता जी, उनके द्वारा कई सारे घोटाले किए जा चुके हैं, जबकि उन्होंने कर्मचारियों के साथ ही बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जो हमारे कर्मचारी 2003 से मोहल्ला स्वच्छता समिति में काम कर रहे हैं, उनको 500 रुपये मानदेय का जो शासन आदेश गवर्नमेंट ने कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में, उस घोषणा को भी वो मानने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार ने वहाँ से पूरा वेतन जो है नगर पालिका मसूरी को दे रही है। लेकिन जो अधिशासी अधिकारी और हमारा जो वहाँ का चेयरमैन है गुप्ता जी, उनके द्वारा जो है कर्मचारियों से घोटाला किया जा रहा है, उन सारे कर्मचारियों को ठेके में डाला जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा जो है चेयरमैन को मोटी रकम दी जाती है। यही कारण है जो कर्मचारियों को 500 रुपये का भुगतान नहीं होता।